आप सबों का अपना चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं वेक्टर 3D क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ बुक का 11.2 एक्सरसाइज का दूसरा लेक्चर लेकर के आया हूँ। अब देखिए ये 8 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा बाबू। कहता है मूल बिंदु 5-2, 3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात करें। अब देखिए इसके लिए एक थ्योरी बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, मूल बिंदु और 5-2 और 3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यदि दो बिंदु, ये थ्योरी है, थ्योरी पहले लिखा, यदि दो बिंदु x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 z2 हो तो, यदि दो बिंदु, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये है, तो हो तो ध्यान दीजिएगा, हो तो यदि मान लीजिए कि ए है बिंदु और ये मान लीजिए बी है, इसका मतलब वेक्टर ए बराबर यहां पे क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड वन के, ठीक ना, ये है, ठीक, एक्स वन वाई वन प्लस जेड वन के है, ठीक ना, और यहां पे दूसरा बिंदु बी हो तो यानी बी हो, ये क्या है आपका बी हो, तो ध्यान दीजिएगा इस स्थिति में, यानी वेक्टर बी बराबर, ध्यान दीजिएगा वेक्टर बी बराबर यहां पर क्या है, एक्स टू आई प्लस वाई टू जे और प्लस जेड टू के है। तो यदि दो बिंदु x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 हो तो इन दोनों से होकर गुजरने वाले का समीकरण जो होता है, गुजरने वाले रेखा का समीकरण, यानी सदिश समीकरण जो होता है, ध्यान दीजिएगा, सदिश समीकरण जब दो बिंदु रहेगा, सदिश समीकरण r बराबर होता है वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a होता है, जब दो बिंदु रहे वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस a होता है। तो सबसे पहले याद रखिए मूल बिंदु से, इसका मतलब प्रथम बिंदु जो है 0 0 0, प्रश्न में कह रहा है मूल बिंदु, तो ये तो का मूल बिंदु, ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गया मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 0, ठीक ना, तो इसका तो कोई सदिश, ये शून्य सदिश होगा, समझे कि नहीं, इसका मतलब ए वेक्टर ए बराबर क्या होगा 0 0 0 सदिश होगा, ठीक ना। अब चलिए तो सबसे पहले इसका जो सदिश, जब दो बिंदु, दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु है 5-2 और 3 है कि नहीं, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ये वेक्टर ए बराबर ये हो गया, तो वेक्टर बी बराबर जो होगा यानी 5i-2j और प्लस क्या गया 3 के हो गया ना। अब देखिए यदि दो बिंदु से होकर के गुजरती है कोई रेखा, तो उसका सदिश समीकरण r बराबर a प्लस लैम्डा इनटू b माइनस a होता है, तो r बराबर जो होगा, ध्यान दीजिएगा सदिश समीकरण, ये पहले सबसे पहले सदिश समीकरण निकाल रहे हैं, सदिश समीकरण ध्यान दीजिएगा, r बराबर क्या होता है वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो अब देखो वेक्टर a तुम्हारा क्या है, 0 सदिश यानी शून्य सदिश, शून्य हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा अब क्या होता है, वेक्टर a तो शून्य हो गया, प्लस लैम्डा इनटू b माइनस a होता है, तो b का मान कितना है, देखो 5i-2j और प्लस 3k, उसके बाद कहता है माइनस के होता है, तो माइनस वेक्टर ए, तो ए का मान तो यहां पे 0 ही है ना, यहां पे 0 कर दीजिए, इसका मतलब लैम्डा 5i-2j और प्लस 3k, क्योंकि 0 जब 5i-2j प्लस 3k है, इससे 0 घटेगा, तो यही ना होगा, क्योंकि 5 घटा 0 5 6 घटा 0 6, 0 से किसी को भी घटाएंगे तो उतने ही होगा। तो ये हो गया आपका सदिश समीकरण, ये वेक्टर r बराबर ये क्या हो गया सदिश समीकरण, एक आंसर ये हो गया। अब कहता है इसका कार्तीय रूप में लिखें, तो आप लोग को मैं बताता हूं कार्तीय समीकरण जो होता है, ध्यान दीजिएगा, कार्तीय
समीकरण, आप मुझे कमेंट करें, आप लोग सभी विद्यार्थी कमेंट करें, कार्तीय समीकरण का स्वरूप क्या होता है, फॉर्म्स क्या होता है बताएं। बाबू कार्तीय समीकरण एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स टू, या हम ये बराबर वाई माइनस वाई वन बटे वाई टू बराबर जेड माइनस जेड वन बटे क्या होता है जेड टू, जहां एक्स टू वाई टू जेड टू जो है ना बी का दिक, वेक्टर बी का दिक अनुपात होता है। तो अब देखिए यहां पे जा किससे रहा है, मूल बिंदु से, यानी जीरो 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 से जा रहा है, यानी एक्स वन का भी मान जीरो, वाई वन का भी मान जीरो, और जेड वन का भी मान क्या हो गया जीरो, यानी यहां पे तो जीरो है ना। तो इसका जो रूप हो जाएगा, देखो बाबू करते सुन, एक्स माइनस, चूंकि ये जीरो जीरो से जाता है, जीरो जीरो जीरो, तो ए के रूप में क्या है जीरो, यानी एक्स माइनस x1, x1 का मान क्या है जीरो, अब फिर क्या होता है बटे x2, लैम्डा के साथ जो गुना रहता है उसी को b कहते हैं, i के साथ क्या गुना है पांच, x2 का मान क्या पांच बराबर, फिर देखो y माइनस y1, तो y माइनस y1 का मान कितना है जीरो, अब बटे क्या होता है y2, यानी लैम्डा के साथ जो गुना रहता है उसको b कहते हैं, इसलिए j के साथ जो गुना रहेगा y2, तो माइनस टू हो गया बराबर, फिर क्या होता है जेड माइनस जेड वन, तो जेड माइनस जेड वन, जेड वन का मान इसमें कितना है देखो, तो जेड वन का भी मान यहां पर क्या है जीरो, क्योंकि ए का मान सभी जीरो है, अब बटे जेड टू, जेड टू का मान क्या है थ्री, तो इसलिए ध्यान देना एक्स बटे पांच बराबर वाई बटे माइनस टू बराबर जेड बटे तीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये आपका कार्तीय समीकरण हो गया और ये आपका जो हो गया सदिश समीकरण। क्या समझ में आई सबको, बताएं सभी विद्यार्थी, सात आठ, ये नौ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या बिंदु, ध्यान दीजिएगा बिंदु तीन माइनस दो माइनस पांच है ना, तो और तीन माइनस दो और छह से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण तथा कार्तीय रूपों का समीकरण निकाले। देखिए मैं सारा क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, केवल समझा रहा हूं क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न में कह रहा है देख लीजिएगा, तीन माइनस दो और माइनस पांच और तीन माइनस दो और छह से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों का समीकरण ज्ञात करें। तो इसमें साफ पता चल गया कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इसमें देखो बाबू ए तो तुम्हारा ये होगा ना, वेक्टर ए बराबर जो हो गया थ्री आई माइनस टू जे माइनस क्या हो गया फाइव के, और वेक्टर बी बराबर जो हो गया 3i माइनस 2j और प्लस क्या हो गया 6k। अब देखो जब कोई दो बिंदु रहे, यानी वेक्टर a और वेक्टर b दो बिंदु है, दो बिंदु से जो गुजरने वाली सदिश रेखा का समीकरण होता है r बराबर a वेक्टर a प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो अब देखो यानी r बराबर यानी सदिश समीकरण जो होता है ये सदिश समीकरण कहलाता है, क्योंकि इसमें सदिश रहता है, और कार्तीय समीकरण उसको कहते हैं जिसमें कि x y z रहता है, समझे कि नहीं। तो सदिश समीकरण जो होता है जब कोई दो बिंदु, यानी देखो एक बिंदु ये हो गया एक बिंदु ये, तो दो बिंदु रहे तो वेक्टर r बराबर जो होगा वेक्टर a प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a होगा। तो वेक्टर a का मान क्या है देखो 3i माइनस 2j माइनस 5k है ना, प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर b माइनस a। अब देखो बाबू ध्यान देना, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, यानी वेक्टर r बराबर ध्यान देना a होता है, a का मान क्या है 3i माइनस टू जे माइनस फाइव के कर दिए, फिर देखो प्लस लैम्डा होता है उसके बाद कहता है वेक्टर b माइनस ए, तो b का मान क्या है देखो 3i माइनस टू जे और प्लस क्या है 6k है, प्लस 6k हो गया, फिर बीच में माइनस होता है माइनस कर दिए। अब देखो बाबू ध्यान देना माइनस वेक्टर a होता है, वेक्टर a का मान क्या है देखो 3i माइनस टू जे और माइनस क्या है 5k है, माइनस क्या है 5k है, ध्यान देना जल्दी दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, थ्री आई माइनस टू जे माइनस फाइव के प्लस लैम्डा। अब देखो बाबू ध्यान देना थ्री आई माइनस टू जे प्लस सिक्स के, अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस थ्री आई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस थ्री आई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू जे, अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस फाइव के, प्लस क्या हो गया फाइव के। अब देखो बाबू ये प्लस थ्री आई है ये माइनस थ्री आई है कैंसिल, ये माइनस टू जे है ये प्लस टू जे है कैंसिल हो गया, तो ये जो वेक्टर आर बराबर जो हो रहा है थ्री आई माइनस टू जे माइनस फाइव के प्लस लैम्डा। अब देखो यहां पे क्या बच गया है छ के और प्लस पांच के, छ पांच ग्यारह के, केवल ग्यारह के हो गया, इसका मतलब लैम्डा के साथ जो गुना है केवल ग्यारह के है, यानी इसमें जो आएगा ध्यान दीजिएगा यानी इस रूप में आया,
अब आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी a प्लस लैम्डा b, तो b में केवल k का मान है, बाद बाकी किसी का मान नहीं है। b में इसका मतलब x का i का इसके साथ गुणांक नहीं है, j का गुणांक नहीं है, केवल k का गुणांक है। तो आप कार्तीय समीकरण, कार्तीय जो समीकरण होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि इस रूप में रहे, r बराबर आप जानते हैं कि नहीं, यदि x1 y1 x, आप लोग सभी विद्यार्थी जानते होंगे, x माइनस x1 बटे x2 कार्तीय समीकरण, y माइनस y1 बटे y2 बराबर z माइनस z1 बटे z2 होता है। तो अब देखो बाबू, ध्यान देना, यानी कार्तीय रूप, अब कार्तीय समीकरण जो होगा, ध्यान देना, कार्तीय समीकरण, तो कार्तीय समीकरण जो होगा x माइनस x1, तो देखो बाबू ये जो टर्म होता है, ये वाला x1 y1 z1 होता है, x माइनस x1 i के साथ जो गुणा होता है x1, ये पहले भी बता चुके हैं, ये 3, अब बटे क्या होता है x2, तो x2 जो है लैम्डा के साथ जो गुणा रहता है, सॉरी इसके साथ b वाला, तो इसमें x2 देखो इसमें है ही नहीं, तो नहीं है तो जीरो है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 का मान जीरो, समझे कि नहीं। यानी तो आपको पहले लिख देते हैं, देखो बाबू इसमें जो है x1 का मान कितना है 3, देखो y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है माइनस 2, और देखो z1, z1 का मान कितना है k के साथ माइनस 5। अब चलो x2 का मान देखो, x2 का मान ये लैम्डा के साथ जो होता है x, x1 2i plus y2 j plus z2 k, तो इसमें i का गुणांक नहीं है, तो इसलिए x2 का मान हो गया जीरो। अब इसमें देखो y2, इसमें j का भी गुणांक नहीं है, इसलिए इसका भी मान जीरो, लेकिन k का गुणांक है, इसलिए z2 बराबर क्या हो गया 11। तो अब चलो कार्तीय समीकरण क्या होता है, यानी देखो कार्तीय समीकरण यहां पे लिख देते हैं, कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण, ध्यान देना, x माइनस x1, तो x माइनस x1, x1 का मान कितना है 3, बटे क्या होता है x2, x2 का मान क्या है 0 बराबर, y माइनस y1, y माइनस y1, y1 का मान कितना है माइनस 2, तो ये माइनस 2 हो गया, तो माइनस 2 देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, समझ में आया ना, ध्यान देना प्लस 2, अब बटे क्या होता है y2, y2 का मान क्या है 0, अब बराबर क्या है z, z माइनस z1, तो z1 का मान कितना है देखो तो माइनस 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5, अब बटे क्या होता है z2, z2 का मान क्या है 11, ये हो गया आंसर। तो बताओ समझ में आई आप लोगों को, चलिए सभी स्टूडेंट को समझ में आई, चलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, समझ में आई सबको, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखिए 7, 8, 9, अब 10 में देखिए दो क्वेश्चन है, 10 में नंबर एक का क्वेश्चन है, कह रहा है वेक्टर r इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k और उसके बाद प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k, ठीक, और फिर देखिए इसी में है r बराबर 7i माइनस 6k प्लस म्यू म्यू आई प्लस 2j प्लस 2k, क्वेश्चन जो पूछेगा आप लोगों को इसी सब में से पूछेगा, याद रखिएगा 10 में दो क्वेश्चन है, दोनों एक ही तरह का है, इसलिए केवल एक बताऊंगा तो दूसरा बन ही जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वेक्टर r बराबर 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k, सवाल देख लीजिए सही है ना, अब देखिए वेक्टर r बराबर 7i माइनस 6k प्लस म्यू आई प्लस 2j प्लस 2k है, तो अब कहता है इन दोनों के बीच कोण निकालने के लिए कहता है, इन दोनों रेखाओं के बीच क्या कहता है कोण निकालें, इन दोनों के बीच कोण निकालें, ध्यान दो बाबू, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कौन निकाले, क्या निकालना है कौन निकाले, ध्यान देना विद्यार्थी। तो सबसे पहले यदि वेक्टर r बराबर a1 वन प्लस लैम्डा बी वन तथा वेक्टर r बराबर a2 टू प्लस म्यू बी टू, यानी यहां म्यू दूसरा गुणांक करेगा, समझे कि ना, म्यू बी टू हो तो ये बी टू है, ध्यान दीजिएगा म्यू बी टू, यानी ये देखिए यहाँ का गुणांक अलग है, यहाँ का गुणांक अलग है, यहाँ पे म्यू है सर, यहाँ पे दूसरा गुणा, यहाँ लैम्डा है, यहाँ म्यू, तो इन दोनों के बीच बीच की कोज्या, दिक्कोज्या भी बोल सकते हैं, कोज्या यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर जो होता है b1 डॉट b2 वेक्टर बटे मॉड b1 परिमाण, ध्यान दीजिएगा मैग्नीट्यूड b1 मैग्नीट्यूड b2 पर, यानी याद रखिएगा
यदि r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और r बराबर a2 प्लस म्यू b2 हो तो इन दोनों के बीच का जो कोण निकलता है यानी कुज्या जो है cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 बटे परिमाण b1 और परिमाण b2। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि b1, देखो बाबू पहले वाले को a1 कहा जाता है और पहले वाले दूसरे वाले में पहले वाले को a2, जो लैम्डा के साथ पहले वाला गुणा रहेगा उसको b1 और जो दूसरे में गुणा रहेगा उसको b2। इसका मतलब साफ पता चल गया कि यहां वेक्टर b1, यानी देखो वेक्टर b1 का मान क्या है, ये हमको चूंकि b1 से काम है, b1 डॉट b2 होता है, a1 a2 का कहीं यूज नहीं होता है, तो b1 का मान कितना है 3i प्लस 2j और देखो प्लस 6k, 6k है। और b2 का, b2 का मान क्या है देखो तो, सॉरी b2 का मान, वेक्टर b2 का मान क्या है देखो तो i प्लस 2j और प्लस क्या है 2k है। अब देखो इस दोनों के बीच की दिक्कत ज्या निकाल लो यानी cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है b1 डॉट b, सॉरी b1 डॉट b2 होता है, माफ कीजिएगा b1 डॉट b2 होता है, ठीक ना, b1 डॉट b2 होता है। तो b1 का मान कितना है देखो यहां पे 3i प्लस 2j प्लस 6k, ठीक, डॉट अब क्या होता है b2, तो क्या है देखो i प्लस 2j और प्लस क्या है 2k है, प्लस 2k है। अब बटे क्या होता है परिमाण b1 और परिमाण b2, तो b1 का परिमाण, परिमाण तो जानते हो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो b1 का पहले परिमाण होता है i के साथ क्या गुणा है, तो ये 3 का स्क्वायर, यहां पे देखो 2 का स्क्वायर जो 6 का स्क्वायर हो गया, ये तुम्हारा हो गया b1 का परिमाण। फिर क्या है देखो बाबू परिमाण b2, यानी फिर देखो रूट अंडर क्या होगा यहां पे b2 i प्लस 2j प्लस 2k है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, फिर देखो प्लस टू का स्क्वायर हो गया, हो गया ना। अब देखो बाबू ध्यान देना, समझ में आ रही है ना, अब इस दोनों को देखो ध्यान देना, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर, अब देखो चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो आई डॉट आई का मान वन होता है, तो तीन गुना एक ये हो गया तीन प्लस, अब देखो दो गुना दो क्या हो गया चार, दो गुना दो क्या हो गया चार, अब देखो प्लस है छ गुना दो, छ दुनी बारह हो गया बटे, अब देखो बाबू यहां पे यानी देखो तीन गुना एक तीन, फिर देखो दो गुना दो चार और छ गुना दो क्या हो गया बारह, अब देखो तीन तिया नौ क्या हो गया नौ, अब देखो दो दुनी चार, फिर देखो छछा के छत्तीस, फिर देखो फिर अंडर, अब इसका काम खत्म हो गया, अब देखो एक गुना एक एक, अब देखो दो दुनी चार, फिर देखो दो दुनी चार, चार हो गया, तो cos थीटा बराबर ध्यान देना चार तीन सात और बारह सात उन्नीस बटे, अब देखो बाबू छत्तीस सात चालीस, चालीस नौ उनचास, छत्तीस सात चालीस, चालीस नौ उनचास हो गया, अब फिर देखो बाबू चार चार आठ एक नौ हो गया, तो cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर उन्नीस बटे देखो उनचास का वर्गमूल क्या हो गया सात और नौ का वर्गमूल कितना होगा तीन, ठीक ना, तो देखो cos थीटा बराबर 19 बटे सत्या 21। अब देखो हम जानते हैं फॉर्मूला कौन निकालने के लिए करता है, कॉस थीटा बराबर यदि x, तो इसलिए थीटा बराबर क्या होता है कॉस इनवर्स x, यानी कॉस थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर क्या होता है कॉस इनवर्स x, तो कॉस थीटा बराबर 19 बटे 21, तो कौन निकालने के लिए कह रहा है, तो इसलिए थीटा बराबर कॉस इनवर्स 19 बटे 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आंसर हो गया, कौन निकालने के लिए कह रहा था, चलिए समझ में आई सबको, समझ में आई आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बताएं, चलिए देखिएगा, यानी ये आपका 10 का एक और दो है, 10 का एक नंबर बता दिया, अब देखिए 11 नंबर का नंबर एक में कह रहा है कि x, अब देखिए माइनस है कि प्लस है, कुछ छूट गया क्या, देखिए तो छूट गया उसमें भी क्या बीच में माइनस, देखिए क्वेश्चन में प्रॉब्लम है माइनस प्लस कुछ नहीं है, सवाल तो नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए आप लोग कोई बता सकते हैं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मान लीजिए कि x माइनस टू बटे टू है बराबर, मान लीजिए अपने मन से y माइनस वन बटे फाइव है, अपने मन से मान लिए ठीक ना, z माइनस थ्री बटे थ्री मान लिए, ये मान लिए कि माइनस हम अपने मन से बना रहे हैं, ये एक सदिश एक रेखा का समीकरण ये हुआ है कार्तीय रूप में ठीक, और दूसरा जो है x माइनस टू बटे वन है बराबर y माइनस चार बटे आठ है बराबर z माइनस पांच बटे चार है ठीक ना, मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस 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 है अपने मन से, यहाँ पे कुछ दिया नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है ठीक ना, तो हम कुछ कौन,
अब कहता है इन दोनों के बीच कौन निकाले, इन दोनों रेखा के बीच कौन निकाले, दोनों रेखा के बीच, रेखा के बीच कौन निकाले, क्या निकाले, कौन निकाले, ध्यान दीजिएगा, कौन निकालने के लिए कहता है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों रेखाओं के बीच कौन निकाले, तो याद रखिएगा cos थीटा बराबर होता है बी वन डॉट बी टू बटे परिमाण बी वन परिमाण बी टू, याद रखिएगा। आप लोग जानते हैं ये, जैसे मान लीजिए पहला समीकरण है r बराबर ए वन प्लस लेमडा बी वन और ये r बराबर ए प्लस लेमडा बी टू के रूप में, तो ए टू लेमडा बी टू है, तो डिफिनेट है ये वाला जो टर्म रहता है वो a का मान रहता है, ये वाला जो मान रहता है किसका रहता है, a का, और नीचे वाला ही जो मान रहता है वो b का मान रहता है, तो साफ पता चल गया ये पहले के लिए, यानी वेक्टर b1 का जो मान है देखिए 2i प्लस 5j और प्लस क्या है 3k। अब देखिए दूसरे के लिए, दूसरे के लिए यानी b2 बराबर, ये ऊपर वाला तो a का ही मान ना होगा, तो कोण में तुमको केवल b1 b2 का मान चाहिए, तो निश्चित ही नीचे वाला b2 हो जाएगा, यानी b2 का मान क्या हो जाएगा, i प्लस 8j और प्लस क्या हो गया 4k। अब इस दोनों के बीच कोण निकालेंगे, तो cos थीटा के द्वारा परिभाषित होता है, तो देखो cos थीटा बराबर क्या होता है b1 dot b2, तो b1 का मान कितना है देखो 2i प्लस 5j प्लस 3k डॉट, फिर क्या है बाबू देखो b2, b2 का मान क्या है i प्लस 8j प्लस 4k, देखो b1 तो b1 का मान 2i प्लस 5j प्लस 3k हो गया डॉट b2, b2 का मान i प्लस 8j प्लस 4k हो गया, ठीक। अब बटे क्या होता है परिमाण b1 परिमाण b2, तो अब देखो b1 का परिमाण, तो b1 तो आपका ये वाला हो गया, इसका मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 3 का स्क्वायर, फिर देखो रूट अंडर, फिर हो जाएगा i के b2 मतलब ये होगा यानी 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो अब यहां देखो cos थीटा बराबर, अब देखो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है 2 गुना 1 ये 2 हो गया प्लस 5 गुना 8 कितना हो गया 40, अब देखो प्लस 3 गुना 4 3 चौके 12 हो गया बटे, अब देखो 2 दूनी 4 प्लस 5 25 प्लस 3 तिया 9 हो गया, फिर देखो रूट अंडर 1 गुना 1 1 8 8 64 प्लस 4 चौके 16 हो गया, ठीक ना। अब देखो cos थीटा बराबर, ध्यान देना 40 12 52 52 दू 54 ये कितना हो गया 54 बटे रूट अंडर, अब देखो बाबू 9 5 14 14 4 18 9 5 14 14 4 18 अब देखो 2 1 3 यानी कितना हो गया 38, अब देखो रूट अंडर 64 16 80 80 प्लस 1 कितना हो गया 81, तो अब देखो बाबू ध्यान देना यहां पे बना रहे ठीक ना cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 54 बटे, अब देखो रूट 38 है तो रूट 38 लिख दिए, अब देखो यहां पे क्या है रूट 81, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9, तो 9 छक्के 54 छ बार में ही कट जाएगा कि नहीं, तो देखो बाबू दिखाई दे रहा है ना कोई दिक्कत तो नहीं ना, ट्यूबलाइट से cos थीटा बराबर हो जाएगा 6/√38 6/√38, तो इसलिए cos देखो cos थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर क्या होता है cos इनवर्स x, तो ये उधर चला जाएगा, तो cos यानी थीटा बराबर कौन निकालने का रहा है, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 6/√38 6/√38 यही इसका आंसर हो गया। तो बताएं, चलिए आप लोग सभी स्टूडेंट्स इसी प्रकार जुड़े क्लास से रेगुलर। Thanks for watch. Good night. Okay, take care.